हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एच टेट, सी टेट, नेट या किसी ऐसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आप नेट के एग्जाम में राजनीतिक भूगोल से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन देख सकते हैं। ये आपके आगे आने वाले नेट के एग्जाम के लिए या PGT, एच टेट, ज्योग्राफी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहले देखते हैं जो क्वेश्चन दिसंबर 2011 में पूछे गए थे। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो स्टेटमेंट दी हुई है, बताना है कि इनमें से कौन सी सही है या दोनों सही है। जो ए है वो है, अवस्थिति परक जलवायविक कारकों ने मैकिंडर के हार्टलैंड को विश्व के कुछ विशाल तथा सुसंपन्न क्षेत्रों की तुलना में सापेक्षिक प्रतिकूलता की स्थिति में डाल दिया। तो ये ए है, ये सही है। और आर है, अपनी अंतरस्थलीय अवस्थिति तथा तदजनित जलवायु विषमताओं के कारण हार्टलैंड स्थायी कठिनाईग्रस्त प्रदेश था। तो ये आर है, ये भी सही है, तथा जो आर है वो ए की सही व्याख्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धर्मों को उनकी उत्पत्ति के कालानुक्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो इसमें है यहूदी धर्म, उसके बाद ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और सिख धर्म। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि जून 2011 में पूछे गए हैं, मानव प्रजातियों के उद्भव एवं विस्तार से संबंधित खंड एवं स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो खंड और स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन टेलर ने किया था। नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र के महत्वपूर्ण बसाओं के पहले निर्धारित तथा परिसीमित की जाने वाली सीमाओं को कहते हैं, इनको कहा जाता है पूर्ववर्ती सीमाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी स्टेटमेंट दी हुई है, बताना है कि कौन सी सही है। मैकिंडर का केंद्र स्थल हार्टलैंड का सिद्धांत एक मूल सूत्र देता है, जो पूर्वी यूरोप प्रशासन करता है उसका प्रभुत्व केंद्र स्थल पर होता है। जो केंद्र स्थल प्रशासन करता है उसका प्रभुत्व विश्वद्वीप पर होता है। जो विश्वद्वीप प्रशासन करता है उसका प्रभुत्व विश्व पर होता है। तो जो ये ए है ये सही है, लेकिन जो इसमें आर दिया हुआ है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क सही अर्थ में एक राज्य राष्ट्र है। तो जो ए है ये गलत है, और इस जो आर है वो क्या है, एक राष्ट्र राज्य का एक राज्य क्षेत्रीय आधार होता है, परंतु अनिवार्यतः एक सामाजिक अथवा सांस्कृतिक आधार नहीं होता। तो ये जो आर है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो सूची दी हुई है, इनको मिलाना है कि कौन सा किससे संबंधित है। तो जो तमिल है वो संबंधित है द्रविड़ियन भाषा परिवार से, इसके बाद सिंगलीज ये है इंडो आर्यन, बर्मीज ये है सिंध तिब्बतन भाषा परिवार से, और जापानीज ये है एस्ट्रेनियन भाषा परिवार से। नेक्स्ट, कार्यात्मक प्रदेश का सीमांकन किसके आधार पर किया जाता है? ये किया जाता है अंतरक्रिया के क्षेत्र। नेक्स्ट है, स्थान कार्य लोक के अनुक्रम में मानव समुदायों के अध्ययन की प्रविधि का विकास किसने किया? तो ये किया था पैट्रिक गीड्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध राजनीतिक भूगोल से नहीं है? तो आई वोमैन इनका संबंध राजनीतिक भूगोल से नहीं है। एफ रेडजेल, आर जे जॉनस्टन, एच जे मैकिंडर, इन सब का संबंध राजनीतिक भूगोल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची दी हुई है जिनको को मिलाना है, कौन सा किससे संबंधित है। तो जो सी सावर है इन्होंने कौन सा दिया है, सांस्कृतिक भूगोल। डी हार्वे इन्होंने दिया है आमूलचूल परिवर्तन परक भूगोल। एफ रेटजेल इनका संबंध है राजनीतिक भूगोल से, और एच जे जॉनसन इनका संबंध है सामाजिक भूगोल से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची दी हुई है जिनको के मिलाना है। तो जो मसाई है ये मिलते हैं अफ्रीकी घास के मैदान, जो भील है ये राजस्थान में मिलते हैं, जो बुशमैन है ये मिलते हैं उत्तर पूर्वी भारत में, और जो कूली है ये मिलते हैं सॉरी जो बुशमैन है
ये मिलते हैं कालाहारी मरुस्थल में, और जो कुली है ये मिलते हैं उत्तर पूर्वी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाषा समूह अवरोही क्रम में बोला जाता है? तो जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो चीनी, उसके बाद है अंग्रेजी, उससे थोड़ी कम बोली जाती है फ्रांसीसी, और उससे कम रूसी। नेक्स्ट है, संबंध के आधार पर निर्धारित प्रदेशों को कहा जाता है, उनको कहा जाता है नियोजन प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन निर्वाह कृषि प्रणाली में विविध रूपायित फसल प्रारूप निर्धारित तो होता है, तो ये होता है स्थानीय मांग द्वारा, स्थानीय संसाधन आधार द्वारा, बाजार की शक्तियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि दिसंबर 2009 में पूछे गए थे, हार्टलैंड सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो ये व्याख्या करता है धराशक्ति एवं सामुद्रिक शक्ति के बीच संघर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सूची दी हुई है, तो जो याकूत है ये होते हैं रूस में, बर्बर ये है उत्तरी अफ्रीका में, किर्गिज ये होते हैं मध्य एशिया में, और रेड इंडियंस ये होते हैं उत्तर अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली कौन सी इंडो ऑस्ट्रिक भाषा है? तो ये है संथाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो जो हार्टलैंड का सिद्धांत है वो दिया है मैकिंडर ने, रिमलैंड का सिद्धांत है वो दिया है स्पाइक मैन ने, राज्यों का वर्गीकरण ये दिया है वान वालकेनबर्ग ने, और राज्यों का क्षेत्रीय वृद्धि सिद्धांत ये दिया है रेटजेल ने। नेक्स्ट है, मैकिंडर के हृदय स्थल सिद्धांत में हिंद महासागर को सम्मिलित किया गया था, तो इसको एक बाहरी परत के रूप में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि जो भी यूरेशिया पर राज्य करता है वह विश्व के भाग्य का नियंत्रण करता है? यह कथन है स्पाइक मैन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातियों के युग्मों में से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत के एक ही राज्य में सीमित है? तो यह है गारो खासी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा द्रविड़ियन भाषा समूह का है? तो है कन्नड़ तेलुगु। स्थान लोक कार्य की संकल्पना की थी, ये की थी ला प्ले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2008 में पूछे गए हैं, सीमांत की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसकी जो विशेषता है वो कौन से है, सीमांत मंडल है या फिर जोन है, वो जो मंडल सीमांत जोन है, सीमांत बाह्यमुखी होता है, प्रारंभिक जनजाति समाजों के बीच सीमांत सामान्यतः किसी व्यक्ति की भूमि नहीं कहलाता था। तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं, जो नहीं है वो क्या है, सीमांत अंतर्मुखी होता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, धर्मों के निम्नलिखित समूहों में से किसका मध्य पूर्व में उदय उद्गम हुआ? तो जो यहूदी धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा अगस्त कामटे द्वारा विकसित की गई थी? तो इन्होंने विकसित की थी प्रत्यक्षवाद की धारा। नेक्स्ट है, अनुक्रमिक स्वामित्व की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था डी एस हिटलसी ने। रिमलैंड सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताइए, ये किया था स्पाइक मैन ने। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक भूदृश्य दर्शाता है, ये दर्शाता है वातावरण पर मानव का प्रभाव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले में जनजातीय बहुलता है? तो ये है बस्तर में। आदिकालीन व्यक्ति जो कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं जाने जाते हैं वो होते हैं बुशमैन। नेक्स्ट है, किसने राज्य का जैव सिद्धांत प्रतिपादित किया? ये किया था रेटजेल ने। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सबसे पहले जियोपॉलिटिक शब्द का प्रयोग करने वाला विद्वान कौन था? ये थे जेलान। निम्नलिखित में से कौन सा सूचक सामाजिक कल्याण के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है? तो विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश, ये प्रासंगिक नहीं है। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक स्थल हार्थ की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया, ये किया था भूगोल के शिकागो संप्रदाय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दिसंबर 2006 में पूछे गए थे, राजनीतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है रेटजेल एफ को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीतिक भूगोल में रिमलैंड थ्योरी की विचारधारा किसने दी, किसकी देन है? यह स्पाइक मैन एन जे की देन है। को दो से सुमेलित कीजिए,
इसमें सूची एक है विडाल डी लाब्लाश, इनका संबंध है टेरेस्ट्रियल होल से। जीन ब्रूंस, इनका संबंध है इंटरनेशन से। कार्ल रीटर, इनका संबंध है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और फ्राइड रेड जेल, इनका संबंध है सोशल डिटर्मिनेशन से। नेक्स्ट है मंगोलाइड प्रजाति प्रधान रूप में पाई जाती है, ये पाई जाती है पूर्व एशिया में। नेक्स्ट है इनमें से किसका संबंध जनजातीय अर्थव्यवस्था से है, इनका संबंध स्थानांतरण युक्त खेती बाड़ी। नेक्स्ट, मानव के प्रजातीय विशेष गुणों का अध्ययन किस में किया जाता है, ये किया जाता है मानव विज्ञान में। हार्टलैंड थ्योरी का निरूपण किसने किया, ये किया था H.J. मैकिंडर ने। आप देख सकते हैं ये हार्टलैंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बार बार पूछा जा रहा है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, वो है म्यांमार। बांटू जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है दक्षिणी अफ्रीका में। नेक्स्ट है खिरगिज खाना बदोश कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं मध्य एशिया में। मैं इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि उससे वीडियो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेन तो ये है कि आप इसमें जो क्वेश्चन है उनको देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे और आप उनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक विविधता भारतीय पहचान की सर्वाधिक प्रभावकारी अभिव्यक्ति है। इसका नेक्स्ट कथन है जातीय उत्पत्ति के आधार पर सुपरिभाषित जनजातीय पहचान है, तो इसमें जो ए है वो गलत है परंतु आर है वो सही है। परिवर्तन विसरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, ये किया गया था हैगरस्टैंड द्वारा। भारत में निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक आत्मसातीकरण के लिए अधिक महत्वपूर्ण बाधक है, वो है भाषाई संरचना। 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार था, ये आधार था भाषा। मैकिंडर के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का क्या नाम है, ये विभिन्नता में एकता। भूसामरिक परिकल्पना में किसने रिमलैंड शब्द का उपयोग किया है, ये किया है स्पाइक मैन ने। ये नेट के एग्जाम में 8 वर्षों में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, इससे आपको पता चल गया होगा नेट के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप HTET, CTET, नेट या ऐसे ही किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।